ट्रैकिंग करेंगे। अभी हम चलने जा रहे हैं फुहारा मार्केट। क्या मिलेगा हमको अभी? आपको मंगोड़े बिल्कुल गरम मिलेगा, उसके पहले का आलू अंडा और समोसा। तो हमको एक प्लेट मंगोड़े दे दो जी, चटनी वगैरह रहेगा। हाँ जी, आप जैसा देते हो अच्छा उस हिसाब से दे देना। और वो तेल में हाथ डालने वाले, वो दोपहर में 2 बजे जब पूजा करते हैं हाँ समय निकालते। अच्छा चलो नया टेस्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ। देवा मंगोड़े वालों के पास हम लोग ने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक तो ये मंगोड़ा जो यहाँ का बहुत फेमस है, और दूसरा है साबूदाना वड़ा। तो मंगोड़े जो होता है, मंगोड़ा मतलब बेसिकली भजिया, जो मूंग दाल की भजिया होती है, मूंग दाल के साथ इसमें धनिया का स्वाद बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इसके साथ जो चटनी मिलती है स्पेशली, वो चटनी आती है इमली और खजूर की चटनी, वो कांदे के साथ ये लोग देते हैं, अनियन के साथ। वो खाने में मज़ा कुछ और ही आ रहा है। मिर्ची हाँ, ग्रीन चिली तो वो लोग सब में डालते हैं। साबूदाना वड़ा बहुत ही गर्मा गर्म है, इट्स नॉट क्रिस्पी जैसे महाराष्ट्र के और किधर आपने देखा रहेगा। साबूदाना वड़ा वैसा टेस्ट नहीं करता। साबूदाना और बटाटे का बहुत ही मिक्सचर है, जो धनिया है मिर्ची सब के साथ मिक्स करके गया हुआ है। बट देन साबूदाना वड़ा बहुत ही अलग है टेस्ट में, बट बहुत अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो ये आपको पूछ के ही आना पड़ेगा, क्योंकि फुहारा मार्केट के बहुत अंदर गलियों में ये है। हम लोग को भी ये प्रॉपर लोकेशन पता नहीं था, हम लोग बहुत सारे लोगों को पूछ के ही यहाँ पे आए हैं। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। बट गाड़ी वीडी लेके बिल्कुल भी मैंने आपको पैदल ही यहाँ पे आना पड़ेगा ढूंढते ढूंढते। ओवर एक्टिंग के पैसे काट दो आपके, कितने ओवर एक्टिंग करते हो ना आप। तो अब हम आ गए हैं इंडियन कॉफी हाउस। तो ये जबलपुर का सबसे ओल्डेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट है। यहाँ के टोटल जबलपुर में टोटल 15 ब्रांचेस है। तो हम इसमें से एक में आए हैं अभी फिलहाल। तो ये रेस्टोरेंट 65 ईयर्स ओल्ड है। ओहो इधर देखो। सो हमारा ऑर्डर अभी आ गया है। चाइनीज़ फ्राइड राइस जो हम लोग ने मंगाया था, इट्स गुड, इट्स अ टेस्ट लाइक सेम फ्राइड राइस, बट इसमें ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अनया को बहुत भूख लगी थी तो उसने कंटिन्यू खाना चालू कर दिया। वो उसने कहा कि मैं रिव्यू अभी करने के लिए नहीं रुक रही हूँ फिलहाल। सो मेरा ऑर्डर था रवा मसाला डोसा। डोसा वेरी क्रिस्पी, बहुत फ्रेश एंड क्रिस्पी है। पोटैटो का सब्जी इज़ नॉर्मल, लाइक जैसा नॉर्मल मसाला टेस्ट करता है वैसे ही है। सनी ने ऑर्डर किया है पनीर चिली डोसा, वो टेस्ट करके अभी हम लोग आपको बताते हैं। मेरा डोसा पनीर चिल्ली के साथ वाला ही है, बट इसमें ना बटर बहुत ज़्यादा है। बटर ज़्यादा है ना, बटर बहुत है। यू वांट टू टेस्ट इट? आपका तो मेरे से ज़्यादा अच्छा था। मेरा डोसा इज द बेस्ट। गुड, बटर एंड घी, मेरे इसमें घी है, घी का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है। आपका शायद से पनीर डोसा है इसलिए बटर ज़्यादा रहेगा। घी होगा, मेरे को समझा नहीं, बट बहुत सही है। बट टेस्ट इज़ गुड, वेरी डोसा इज वेरी क्रिस्पी। उन्होंने कहा ही था हम लोग को ऑर्डर करते समय कि उनके पास मसाला डोसा बहुत फेमस है, तो इसलिए हम लोग ने अलग अलग टाइप के दो मसाला डोसा मंगाए थे। सो डोसा इज़ ऑसम। फ्राइड राइस इज़ ओके, चाइनीज़ शायद से यहाँ की स्पेशलिटी नहीं है, बट अनाया को खाना था तो हम लोग ने एक ट्राई कर लिया। बाकी डोसाज एंड कॉफीज़ आर बेस्ट।
सो हम लोग ने ये कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था क्योंकि इंडियन कॉफ़ी हाउस में आए और कोल्ड कॉफ़ी नहीं मंगाए या फिर कॉफ़ी नहीं ऑर्डर करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी टाइमिंग ऐसा था कि हॉट कॉफ़ी पीने का इतना मन नहीं था, इसलिए हम लोग ने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। सो ये यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चर्ड एंड डेट्स, तो आप देख सकते हो आई गेस ये अभी मतलब ऑर्डर करने के बाद फ्रेशली मेड नहीं होता है। इन लोग शायद से मॉर्निंग में बना के रखते हैं कुछ कप ऑफ कॉफ़ी और फिर उसके ऊपर डेट्स है, इट्स लाइक कि ये आज के दिन के लिए वैलिड है। सो डेली ये लोग स्टॉक बना के रखते रहेंगे। कंसिस्टेंसी इसका ज़्यादा थिक नहीं है, इट्स नॉर्मल लिक्विड ही जैसा पतला होता है वैसे ही पतला है कॉफ़ी है, बट कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा मीठा है, बट नाइस कॉफ़ी। लाइक आपको कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करना है तो अच्छा कॉफ़ी है, बट शुगर तो ऑफकोर्स है क्योंकि मीठा है, कोल्ड कॉफ़ी है। आइसक्रीम वगैरह कोई भी मिक्स नहीं है इसमें, कोई भी क्रीम नहीं है, इट्स अ प्लेन कोल्ड कॉफ़ी। गुड, यम्मी, नाइस। सो ओवरऑल इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, बट एज पर माय सजेशन ये लंच या डिनर के लिए इतना प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स आइटम एंड ब्रेकफास्ट आइटम्स काफ़ी ज़्यादा है और उनकी क्वालिटी और उनका टेस्ट काफ़ी बेटर है रैदर देन आप डिनर या फिर लंच के लिए आओगे। तो इट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन रेफर दिस ऑप्शन, बट ओनली फॉर द ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, वरना ऐसे हो जाएगा कि आप ब्रेकफास्ट का सामान लंच में या डिनर में खा जाओगे। हम अब आए हैं मनोहर स्वीट्स में, तो ये है छेना संगम। इसमें क्या क्या संगम है ये मैं आपको बता दूँ। ये जो ऊपर रेड कलर आपको दिख रहा है वो पाइनएप्पल है, ऐसा इन लोग ने बताया। इसमें होता है छेना और पाइनएप्पल का मिक्सचर, सो लेट्स ट्राई। ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, बहुत रिस्पर स्वीट है। और ये जो छेना है ऊपर बेसिकली ये मावा का मिक्सचर है और ये पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ मिक्स है, बट यमी है। नॉट टेस्ट तो ये है केसर पूरी और ये है मलाई खीर। तो लेट्स ट्राई। नेक्स्ट आइटम है मलाई कोफ्ता। आप चौंकना मत, ये मलाई कोफ्ता मतलब वेजिटेबल मलाई कोफ्ता वाले सब्जी नहीं है, दिस इज समथिंग स्वीट। लेट्स ट्राई। फुल विथ मलाई एंड मावा मिक्स विथ द मिल्क एंड केसर। सो यहाँ के जो स्वीट्स है ना वो बहुत ही लेस, मतलब ज़्यादा स्वीट नहीं है, कम स्वीट जो खा नहीं सकते, इसका स्वीटनेस बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से ये खाने में भी मज़ा आ रहा है। अब इस काइंड ऑफ ऑल द बंगाली स्वीट जो होता है ना वैसे ही है इनका टेक्सचर, बट मावा और दूध का मिक्सचर इसमें ज़्यादा है।